हेलो गाइस, वेलकम टू लूसी। तो आज की हमारी मूवी है लूसी, और इस मूवी में हमें ये बताया गया है कि अगर हमारा ब्रेन अपनी कैपेसिटी का पूरा यूज कर पाता है तो हमारा ब्रेन क्या क्या कर सकता है, मींस हमारे पास क्या क्या पावर्स आ जाती हैं। और कहानी स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नॉर्मली हमारा ब्रेन अपनी कैपेसिटी का 7-10% तो यूज कर ही लेता है, पर अगर क्या होगा अगर हम इसी ब्रेन की कैपेसिटी का 10%, 20%, 50%, 100% तक यूज कर लें। तो दोस्तों, अगर आप इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो देखते रहिए हमारे आज के इस वीडियो को। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। अब इस कहानी में एक प्रोफेसर होते हैं जिनका नाम सैमुअल नॉर्मन होता है, और वो ब्रेन के ऊपर काफी टाइम से रिसर्च भी कर रहे होते हैं। तो अब वो स्टेज के ऊपर अपना एक लेक्चर दे रहे होते हैं, और उस लेक्चर में वो बताते हैं कि कोई भी इंसान एक समय में अपने ब्रेन का ज्यादा से ज्यादा 10% यूज करता है, और इसके बावजूद इंसानों ने पूरी दुनिया बदल के रख दी। उन्होंने कार से लेकर सैटेलाइट तक बना दी और चांद पर भी चला गया, और ये सब डेवलपमेंट इंसानों ने अपने ब्रेन का सिर्फ 10% यूज करके किया है। अब इसके बाद प्रोफेसर बताते हैं कि एक ऐसा प्राणी भी है जो अपने ब्रेन का 20% तक यूज कर सकता है, और वो है डॉल्फिन। अब प्रोफेसर बताते हैं कि डॉल्फिन कैसे अपने ब्रेन का 20% यूज करके सोनार वेव्स क्रिएट करती हैं, जिससे वो अपने शिकार का पता लगाती हैं, और साथ ही साथ वो एक दूसरे से टेलीपैथी के थ्रू बात भी करती हैं। अब इसके बाद प्रोफेसर बताते हैं कि अगर ह्यूमन अपने ब्रेन का 20% यूज करने लगे तो वो अपनी बॉडी के बारे में सब कुछ जान जाएगा, और साथ ही साथ वो अपनी बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल भी कर पाएगा। अब इसके बाद प्रोफेसर बताते हैं कि अगर कोई ह्यूमन अपने ब्रेन का 40% तक यूज कर पाता है तो इसके बाद वो सामने वाले इंसान की भी बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। अब इतने में ही एक स्टूडेंट प्रोफेसर से पूछता है कि तब क्या होगा अगर कोई इंसान अपने ब्रेन की कैपेसिटी का 100% यूज करने में कामयाब हो जाता है। अब प्रोफेसर बोलते हैं कि आई हैव नो आइडिया, ये अनइमेजिनेबल है। अब दोस्तों, इस मूवी में जो हीरोइन होती है उसका नाम होता है लूसी, और वो अपने बॉयफ्रेंड के बुलाने के बाद एक होटल के बाहर आती है और अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। अब दोस्तों, उसका बॉयफ्रेंड जिसका नाम रिचर्ड होता है वो लूसी से कहता है कि तुम्हें प्लीज मेरे लिए ब्रीफकेस अंदर मिस्टर जैंग को डिलीवर कर रहे हैं। अब वो लूसी को बताता है कि इस ब्रीफकेस को डिलीवर करने की $1,000 मिलेंगे, जिसमें से $500 मैं तुम्हें दे दूंगा। अब लूसी बोलती है कि एक ब्रीफकेस को डिलीवर करने के $1,000, ऐसा कौन करता है, जरूर इसके अंदर कुछ इल्लीगल चीज होगी, और वो उसको साफ साफ ही काम करने से मना कर देती है। पर उसका बॉयफ्रेंड रिचर्ड उस ब्रीफकेस को लूसी के हाथ से हथकड़ी से बांध देता है और कहता है कि अब तो तुम्हें अंदर जाना ही होगा, क्योंकि इस हथकड़ी की चाबी मिस्टर जैंग के पास ही है। अब मजबूर होकर लूसी को अंदर जाना ही पड़ता है। अब वो उस होटल के अंदर जाती है और उस होटल के रिसेप्शनिस्ट से बोलती है कि मुझे मिस्टर जैंग से मिलना है। अब वो लूसी से उसका नाम पूछता है तो लूसी बोलती है कि मुझे रिचर्ड ने यहाँ पर भेजा है। अब इसके बाद रिसेप्शनिस्ट मिस्टर जैंग को कॉल करके सब बताता है। फिर थोड़ी देर बाद कुछ लोग नीचे आते हैं और गेट पर खड़े रिचर्ड को गोली मार देते हैं, जिससे लूसी काफी डर जाती है, और वो लूसी को पकड़कर अंदर ले जाते हैं। अब वो लोग लूसी को जबरदस्ती पकड़कर होटल के एक रूम में ले जाते हैं। वहाँ पर लूसी एक आदमी की लाश देखती है। अब वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो समझ नहीं पाती कि उसके साथ ही हो क्या रहा है। अब इतने में मिस्टर जैंग आते हैं, तभी लूसी उनसे रोकर बोलने लगती है कि देखो, मेरा नाम लूसी है, मुझे तो ये बैग डिलीवर करने के लिए रिचर्ड ने बोला था, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे मत मारो। अब इसके बाद मिस्टर जैंग लूसी को एक पेपर पर उस ब्रीफकेस का पासवर्ड लिख कर देते हैं और अपने आदमियों के साथ उस रूम से बाहर चले जाते हैं और छुप जाते हैं, और फिर लूसी से उस ब्रीफकेस को खोलने के लिए कहते हैं। लूसी पूछती है कि तुम सब यहाँ से चले क्यों गए। अब मिस्टर जैंग बोलते हैं क्योंकि हमें उस आदमी पर भरोसा नहीं है जिसने तुम्हें यहाँ पर इस ब्रीफकेस के साथ भेजा है। अब इसके बाद लूसी डरते डरते उस ब्रीफकेस को खोलती है। तभी मिस्टर जैंग पूछते हैं कि बताओ उस ब्रीफकेस के अंदर क्या है। अब लूसी उन्हें बताती है कि इस ब्रीफकेस के अंदर 4 पैकेट्स हैं, जिनके अंदर पर्पल कलर का पाउडर भरा हुआ है। अब मिस्टर जैंग वापस रूम के अंदर आ जाते हैं और उन पैकेट्स को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। अब इसके बाद वो लूसी से कहते हैं कि तुम्हें हमारा एक काम करना पड़ेगा। लूसी पूछती है कैसा काम। वो कहता है कि तुम्हें हमारे लिए इस पैकेट को स्मगल करना पड़ेगा, लेकिन लूसी ये पैकेट स्मगल करने के लिए मना कर देती है। तभी वहाँ पर खड़ा एक आदमी लूसी के मुंह पर जोरदार मुक्का मारता है, जिससे लूसी बेहोश हो जाती है। अब जब लूसी को होश आता है तो लूसी देखती है कि वो एक बेड पर लेटी हुई है। तभी वो देखती है कि उसके पेट का किसी ने ऑपरेशन कर उस पर पट्टी बांध रखी होती है। तभी एक आदमी अंदर आता है और वो लूसी से कहता है कि डरो मत, तुम्हारे अंदर सिर्फ हमने एक पैकेट डाला है। और वो आदमी लूसी को मिस्टर जैंग के पास लेकर जाता है, और वहाँ पर खड़ा दूसरा आदमी लूसी से कहता है कि तुम डरो मत, हमने तुम्हारे अंदर सिर्फ एक ड्रग का पैकेट प्लांट किया है जो तुम्हें हमारे लिए डिलीवर करना पड़ेगा, और इसको डिलीवर करने के बाद तुम अपने घर जाने के लिए फ्री हो। अब लूसी उससे पूछते है तुमने मेरे पेट के अंदर कौन सा ड्रग डाला है।
तभी वो आदमी कहता है ये CPH4 है जिसे यूरोप के बच्चे काफी पसंद करेंगे। अब इसके बाद उस रूम में 3 आदमी और आते हैं और उनको भी ये पैकेट अलग अलग जगह पर डिलीवर करना होता है। अब इसके बाद मिस्टर जैंग के साथ वाला आदमी उन चारों से कहता है कि अगर तुम चारों में से किसी ने भी हमारे साथ चीटिंग करने की कोशिश की तो हम तुम्हारे और तुम्हारे फैमिली का एड्रेस जानते हैं और फिर हम तुम सबको मार देंगे। अब उन चारों लोगों के मुंह पर काला कपड़ा डालकर उनको अलग अलग जगह ले जाया जाता है। अब वो लूसी को एक रूम में ले जाकर बंद कर देते हैं और जो 2 आदमी जो लूसी को इस रूम के अंदर लेकर आए होते हैं उनमें से एक आदमी लूसी को छेड़ने की कोशिश करता है पर लूसी उसको मना कर देती है। तभी वो आदमी गुस्से में लूसी को मारने लगता है और वो लूसी के नीचे गिरने पर लूसी के पेट में लाते मारने लगता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अब क्योंकि लूसी के पेट का ऑपरेशन हुआ होता है तो लूसी दर्द से तड़पने लगती है और उसके अंदर जो ड्रग का पैकेट होता है वो भी अंदर अंदर फट जाता है और वो ड्रग धीरे धीरे उसकी बॉडी में घुलने लगता है। अब लूसी और भी ज्यादा तड़पने लगती है और फिर वो बेहोश हो जाती है और जब थोड़ी देर बाद वो होश में आती है तो वो खड़ी होकर चुपचाप कुर्सी पर बैठ जाती है और वो एक ही जगह पर ध्यान लगाकर देखने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद उन 2 आदमियों से एक आदमी अंदर आता है। तभी लूसी उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और वो आदमी अट्रैक्ट होकर लूसी की तरफ आता भी है पर लूसी उस पर अटैक कर देती है और उसे नीचे गिरा देती है और उसकी गन लेकर उसी को मार देती है और उसकी चाबियां लेकर अपने आप को खोलकर वहां से निकलने की कोशिश करती है। तभी वो देखती है कि रास्ते में और भी मेंबर्स बैठे होते हैं और वो उन सभी को गोली से मार देती है। तभी एक गोली उसके भी लग जाती है और वो उस गोली को अपने हाथ की उंगली से निकाल देती है और उन गैंग मेंबर्स के सारे हथियार लेकर वहां से निकल जाती है। अब वो टैक्सी लेकर एक हॉस्पिटल के लिए निकलती है। तभी वो रास्ते में देखती है कि कोई भी व्यक्ति अगर दूर खड़ा होकर फोन पर बात कर रहा है तो सारी बातें उसको सुनाई दे रही होती हैं। उसको समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ हो क्या रहा है। तभी वो हॉस्पिटल पहुंचती है और वहां पर जाकर सीधे ऑपरेशन थिएटर में घुस जाती है जहां पर एक ऑपरेशन चल रहा होता है। तभी वो उस मरीज की रिपोर्ट देखती है और उसके सर में सीधा गोली मार देती है। सभी डॉक्टर्स डर जाते हैं कि क्या हुआ। तभी लूसी उनसे बोलती है कि डरो मत, तुम इसको वैसे भी नहीं बचा पाते क्योंकि इसका जो ट्यूमर था वो इसकी स्पाइन तक पहुंच गया था। तभी वो उन डॉक्टर्स के ऊपर गन तान देती है और उस पेशेंट को नीचे गिराकर उस स्ट्रेचर पर खुद लेट जाती है और डॉक्टर से कहती है कि मेरे पेट के अंदर एक ड्रग का पैकेट है, उसे बाहर निकालो। अब वहां पर खड़े हुए सारे डॉक्टर्स डर जाते हैं। तभी उनमें से एक डॉक्टर कहता है ठीक है मैं तुम्हारा ऑपरेशन करूंगा पर उससे पहले मुझे तुम्हें लोकल एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। पर लूसी बोलती है कि मुझे उसकी जरूरत नहीं है, तो मेरा ऑपरेशन ऐसे ही करो। अब डॉक्टर लूसी को ऑपरेशन करना स्टार्ट करता है। तभी इतने में लूसी डॉक्टर का फोन लेकर अपनी माँ को फोन मिलाती है और अपनी माँ को ऐसी ऐसी बातें बताती है कि उसकी माँ को विश्वास नहीं होता। वो अपनी माँ से कहती है कि मुझे सब याद है कि जब मैं पहली बार चलना शुरू हुई थी मुझे आपके दूध का टेस्ट तक याद है। वो अपनी माँ से कहती है कि मुझे वो पल भी याद है जब मैं आपके पेट के अंदर थी। तभी वो अपनी माँ को बताती है कि उसे ग्रेविटी भी महसूस हो रही है और वो अर्थ के रोटेशन को भी महसूस कर पा रही है और वो ये भी बताती है कि उसे अपनी बॉडी के सारे ऑर्गन्स सारे बॉडी पार्ट्स महसूस हो रहे हैं। तभी खराब नेटवर्क होने की वजह से वो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। अब इतने में डॉक्टर उसके पेट का ऑपरेशन करके वो पैकेट बाहर निकाल लेता है। तभी लूसी उससे पूछती है कि इसमें कितना बचा है। तभी वो डॉक्टर कहता है कि लगभग 500 ग्राम बचा होगा। अब लूसी उस डॉक्टर से पूछती है कि जितना ड्रग मेरी बॉडी के अंदर घुल चुका है उसका असर खत्म होने में कितना टाइम लग जाएगा। तभी डॉक्टर कहता है कि उसका आंसर देने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि ये है क्या। तभी लूसी उसको बताती है कि ये CPH4 है और वो सारे डॉक्टर्स एकदम हैरान हो जाते हैं। अब लूसी उनसे बोलती है कि बताओ मुझे CPH4 क्या है। अब वो डॉक्टर लूसी को बताता है कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसकी प्रेगनेंसी के 6ठे हफ्ते में उसकी बॉडी बहुत छोटी सी मात्रा में CPH4 प्रोड्यूस करती है जो बच्चे के लिए एक विस्फोट की तरह होता है और फिर यही CPH4 उस बच्चे की बोन्स और बॉडी पार्ट्स बनाने में हेल्प करता है। मुझे पता था कुछ लोग इसका सिंथेटिक वर्जन बना रहे हैं पर ये नहीं पता था कि वो लोग इसमें कामयाब हो चुके हैं। अब वो डॉक्टर लूसी से कहता है कि अगर ये सच में CPH4 है और ये तुम्हारी बॉडी में इतनी मात्रा में घुल चुका है तो मैं हैरान हूँ कि तुम अभी तक जिंदा हो। अब लूसी कहती है ज्यादा देर तक नहीं। अब वो जब हॉस्पिटल से बाहर आती है तो वो देखती है कि उसे पेड़ों के अंदर की सेल्स भी महसूस होने लगे हैं और अब वो वहाँ से सीधा मिस्टर जैंग के पास जाती है और वहाँ पर पहुंचकर मिस्टर जैंग की सिक्योरिटी में जितने भी आदमी होते हैं उन सबको मार देती है। फिर वहाँ पर पहुंचकर मिस्टर जैंग के हाथों में चाकू घुसा देती है और पूछते है कि बताओ बाकी के तीनों लोग कहाँ भेजे हैं। मिस्टर जैंग लूसी से कुछ नहीं बोलता। तभी लूसी मिस्टर जैंग के माथे पर हाथ लगाती है और टेलीपैथी के थ्रू उसके दिमाग में झांककर सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेती है और पता लगा लेती है कि बाकी के तीनों आदमी कहाँ गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि लूसी का ब्रेन अब इतना डेवलप हो चुका है कि वो दूसरे इंसानों के ब्रेन को इजीली रीड कर सकती है
अब इसके बाद वो अपने एक फ्रेंड के घर जाती है और वहाँ पर वो उसका लैपटॉप यूज करने लगती है और इंटरनेट पर सर्च करने लगती है एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने ब्रेन के ऊपर रिसर्च कर रखी हो। तभी उसको इंटरनेट पर प्रोफेसर सैमुअल नॉर्मन का आर्टिकल दिखाई देता है। दोस्तों ये वही प्रोफेसर होते हैं जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया होता है। अब इसके बाद लूसी उनके पूरे आर्टिकल को रीड करती है और उनको कॉल करती है और कॉल कर कहती है कि मैंने आपकी ब्रेन कैपेसिटी पर पूरी रिसर्च पढ़ी है और प्रोफेसर को बताती है कि मेरे सेल्स एबनॉर्मली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं लगभग मिलियंस इन अ सेकंड। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको इस बात को समझने के लिए एक इन्फॉर्मेशन बताना चाहूंगा, जो ह्यूमन सेल की लाइफ होती है वो 120 डेज की होती है, लेकिन लूसी की बॉडी में ये प्रोसेस काफी तेज हो चुका है और अब उसकी बॉडी में हर सेकंड करोड़ों सेल्स पर सेकंड बन रहे हैं और फिर रीजनरेट हो रहे हैं। अब इसके बाद लूसी प्रोफेसर से कहती है कि अगर ये सब इसी स्पीड से होता रहा तो मैं 24 घंटे से भी पहले मर जाऊंगी, पर मेरी बॉडी सेल्स का इतनी तेजी से रिप्रोडक्शन मुझे मेरे ब्रेन को ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी में यूज करने के लिए हेल्प कर रहा है। अब प्रोफेसर कहता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। अब लूसी प्रोफेसर को बताती है कि उसने लार्ज क्वांटिटी में सिंथेटिक CPH4 अब्सॉर्ब कर लिया है जिससे ये सब हो रहा है। अब वो प्रोफेसर को बताती है कि इस ड्रग की हेल्प से वो आगे जाकर अपने ब्रेन का 100% भी यूज कर पाएगी और बताती है कि अभी मैं 28% कर पा रही हूँ और बताती है कि इतने परसेंट ब्रेन के इस्तेमाल से वो काफी चीजें कर पा रही है। वो टेलीपैथी भी कर पा रही है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी कंट्रोल कर पा रही है। तभी वो प्रोफेसर को उसके मोबाइल पर, उसके लैपटॉप पर, अपने टीवी पर अपनी वीडियो चलाकर दिखाती है। लूसी उसको बताती है कि उसको कोई डर महसूस नहीं होता, ना ही कोई दर्द महसूस होता है और ना ही उसको कोई इच्छा होती है। वो सारी चीजें जो इंसान को इंसान बनाती है वो धीरे धीरे सब उसमें से खत्म होती जा रही हैं। अब वो प्रोफेसर से कहती है कि मेरे अंदर क्वांटम फिजिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स और बाकी जो ज्ञान इकट्ठा हो रहा है मैं सबका क्या करूं? तभी प्रोफेसर कहते हैं कि इस इन्फॉर्मेशन को आगे पास करो जैसे हमारे सेल्स करते हैं। पुराने सेल्स मरते हुए अपनी इन्फॉर्मेशन नए सेल्स को दे देते हैं और यही लाइफ का एकमात्र लक्ष्य है। अब लूसी कहती है ओके मैं 12 घंटे में आपसे आकर मिलूंगी। अब इसके बाद लूसी कॉल को डिसकनेक्ट करती है और अपनी फ्रेंड के घर से निकल जाती है। अब लूसी पेरिस जाने के लिए एयरपोर्ट जाती है और वो अपनी पहचान छुपाने के लिए अपने बालों का कलर और स्टाइल चुटकी में चेंज कर लेती है। ये सब वो इसलिए कर लेती है क्योंकि उसकी बॉडी पर उसका 100% कंट्रोल हो चुका है। अब वो पेरिस के एक पुलिस स्टेशन में कॉल करती है और वहाँ के सीनियर ऑफिसर से बोलती है कि अपनी चेयर पर बैठो और अपनी टेबल पर बड़ा लाल पेन उठाओ और जो मैं बोल रही हूँ वो लिखो। अब वो पुलिस वाला ये सब सुनकर हैरान हो जाता है कि उसे ये सब कैसे पता। तभी लूसी उसको बताती है कि 3 लोग पेरिस में अलग अलग एयरपोर्ट पर आने वाले हैं और वो अपनी बॉडी के अंदर ड्रग्स के पैकेट छुपा कर ला रहे हैं और उन तीनों को पकड़ लो और उन ड्रग्स के पैकेट्स को संभाल कर रखना, मैं भी जल्दी पेरिस पहुंच जाऊंगी। इतना कहकर लूसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज करके उस ऑफिसर के सिस्टम में उन तीनों लोगों की पूरी इन्फॉर्मेशन डाल देती है और वो लोकेशन भी डाल देती है जहां पर वो आने वाले हैं और इसके बाद कॉल डिसकनेक्ट कर देती है। अब वो पुलिस वाला ये सब देखकर हैरान हो जाता है और जल्दी से जल्दी उन तीनों को पकड़ने के लिए एयरपोर्ट के लिए निकलता है और बाकी की एयरपोर्ट्स पर उन पुलिस को चौकन्ना होने के लिए रहता है। अब जैसे ही वो तीनों लोग अलग अलग जगह पर एयरपोर्ट्स पर पहुंचते हैं तो पुलिस उन तीनों को अरेस्ट कर लेती है और उन्हें वहां से पकड़कर कहीं और ले जाती है। अब पुलिस उन तीनों लोगों को एयरपोर्ट से सीधे हॉस्पिटल लेकर जाती है जहां पर वो उनको ऑपरेशन करवाकर उन ड्रग्स को निकलवाएंगे, पर उन स्मगलर्स को पता चल जाता है और वो हॉस्पिटल पर अटैक कर देते हैं और सभी पुलिस वालों को मारकर उन तीनों लोगों के अंदर से ड्रग के पैकेट निकालकर ले जाते हैं। अब वो सारे स्मगलर्स वहाँ से निकल ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर लूसी पहुँच जाती है। अब वो सारे के सारे स्मगलर्स के गुंडे लूसी के ऊपर गन तान देते हैं। दोस्तों यहाँ पर वो सीनियर ऑफिसर भी लूसी के साथ होता है। तभी लूसी आगे बढ़ती है और उन सभी के सभी गुंडों को बिना हाथ लगाए मार देती है और जो उन गुंडों का हेड होता है उसको स्टैचू की तरह एक जगह खड़ा कर देती है। वो कुछ भी नहीं कर पाता, ना ही हिल पाता है जरा सा भी, और वो अंदर जाकर उन तीनों ड्रग्स के पैकेट्स को ले आती है। अब इसके बाद लूसी और वो पुलिस ऑफिसर वहाँ से निकल जाते हैं और सीधा प्रोफेसर नॉर्मन के पास जाते हैं। अब प्रोफेसर नॉर्मन लूसी को बाकी के प्रोफेसर से मिलवाता है और कहता है कि ये अपने अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं। अब लूसी और वो सारे प्रोफेसर्स मिलके बात करने लगते हैं। अब लूसी उन सभी को ऐसी ऐसी बातें बताती है कि वो सारे प्रोफेसर लूसी की बातें सुनकर हैरान रह जाते हैं। लूसी उनको क्वांटम फिजिक्स की ऐसी ऐसी बातें बताती है जो अभी तक किसी को भी पता नहीं होती है और जिसके ऊपर अभी भी रिसर्च चल रही होती है। अब इतने में वो स्मगलर्स और उनके गुंडे वहाँ भी पहुँच जाते हैं। तभी वो पुलिस वाला लूसी से कहता है कि तुम यहाँ पर इनसे बात करो और आगे का काम करो, उन गुंडों को मैं रोकता हूँ। अब लूसी प्रोफेसर से कहती है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी करना होगा।
अभी लूसी अपने ब्रेन का 60% यूज कर पा रही होती है, तभी वो प्रोफेसर से कहती है कि मुझे अपने ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए और ड्रग अपने अंदर इंजेक्ट करना होगा। वो सभी प्रोफेसर्स लूसी की इसमें हेल्प करते हैं और लूसी के ब्लड में वो ड्रग इंजेक्ट करने की तैयारी करते हैं। दूसरी तरफ वो पुलिस ऑफिसर्स और बाकी की उनकी टीम उन गुंडों से लड़ रहे होते हैं। अब लूसी 2 से 3 सेकंड के अंदर उन तीनों पैकेट्स को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है। अब लूसी के सेल्स के रिप्रोडक्शन की स्पीड और भी तेज हो जाती है और उसके ब्रेन की कैपेसिटी भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अब वहाँ पर ऐसी ऐसी अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं कि डॉक्टर्स उनको देखकर डरने लगते हैं। अब लूसी की बॉडी से एक डार्क मैटर निकलता है जो धीरे धीरे उस रूम में रखी सभी मशीन्स को पिघलाकर अभी तक का सबसे हाईटेक सुपर कंप्यूटर बनाने लगता है। अभी लूसी की ब्रेन की कैपेसिटी भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है, 80%, 90%। अब जैसे ही उसकी ब्रेन की कैपेसिटी 90% होती है, तब इसके बाद वो टाइम ट्रेवल करने लगती है। अब वो वक्त में पीछे जाकर जानकारी इकट्ठी करने लगती है। सबसे पहले वो आदिवासियों के समय में जाती है, उसके बाद वो डायनासोर्स के समय में जाती है। अब इसके बाद वो वक्त में और भी पीछे जाती है, जहाँ पर वो एक चिंपैंजी जैसे दिखने वाले मानव को देखती है। अब वो इसके बाद वक्त में और भी पीछे जाती है और वो देखती है कि हमारी अर्थ की फॉर्मेशन कैसे हुई, सोलर सिस्टम कैसे बना, पूरी दुनिया कैसे बनी। अब वो वक्त में इतनी पीछे चली जाती है कि वहाँ पर जो भी कुछ हो रहा होता है उस सबसे लूसी को हर चीज के बारे में पता चल जाता है। वो लाइफ के सभी रहस्य के बारे में जान चुकी होती है। अब वो अपनी ब्रेन की कैपेसिटी का 99% यूज कर पा रही होती है। अब धीरे धीरे उसकी बॉडी के सारे सेल्स जुड़कर एक हो रहे होते हैं और अब इस सब के बाद लूसी की बॉडी के आखिरी 2 सेल्स भी जुड़कर एक हो जाते हैं और वो अपनी ब्रेन की कैपेसिटी का 100% अचीव करते ही वहाँ से गायब हो जाती है। दरअसल उसका ब्रेन अब इतना डेवलप हो चुका है कि अब उसको जिंदा रहने के लिए बॉडी की जरूरत नहीं होती है। अब इतने में उस डार्क मैटर से बने सुपर कंप्यूटर से एक पेन ड्राइव निकलती है। तभी वो पुलिस वाला वहाँ पर आता है और पूछता है कि ये सब क्या है और लूसी कहाँ गई। तभी प्रोफेसर उस पेन ड्राइव को लेते हैं और उस पुलिस वाले के मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है आई एम एवरीवेयर। और दोस्तों इस सीन के बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दरअसल लूसी ने जितनी भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन इकट्ठे की होती है वो सब प्रोफेसर को अपने पेन ड्राइव के थ्रू दे देती है। दोस्तों ये मूवी वाकई में एक लाजवाब मूवी है और मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को कम से कम एक बार तो जरूर देखें। तो दोस्तों अगर आप ये मूवी देखना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस पर जाइए क्लिक करिए, वहाँ पे मिल जाएगी आपको ये मूवी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसका लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर।